हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि। आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स जो कि एक लर्निंग चैनल है। कल मंडे मार्केट कहाँ पे ओपन होगा और कौन से लेवल हमारे लिए ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ये एनालिसिस वीडियो है जो कि डेली एनालिसिस वीडियो होता है हमारा। तो अगर निफ्टी का हम एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी आप अगर देखेंगे तो कंटिन्यूसली हायर हाई बनाते जा रहा है, एक नया ऑल टाइम हाई भी लगा चुका है और 22,000 के आसपास जो है मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि 22,000 हमें कल से शायद देखने मिलेगा 22,000 प्लस, क्योंकि निफ्टी जो है काफ़ी अच्छा स्ट्रांग बुलिश साइन दिखा रहा है अभी तक जो हमने देखा है, जो ये रैली चल रही है। अगर वीकली कैंडल भी देखेंगे तो किसी भी कैंडल ने जो है अभी तक वीकली कैंडल का किसी का लो ब्रेक नहीं किया हुआ सॉरी। तो ये वीकली कैंडल जो है काफ़ी अच्छी स्ट्रांग दिख रही है, तो एक बार डेली में भी देख लेते हैं। सॉरी एक मिनट, ये थोड़ा सा स्लो, मेरा नेटवर्क इशू है यहाँ पे। तो अगर देखेंगे डेली कैंडल में भी अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ये स्ट्रांग कैंडल है। यहाँ पे जब फ्राइडे को गैप अप होके मार्केट ने जो है काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, जो कि ये पूरा जो रेंज है मार्केट का ये लगभग आप अगर देखेंगे 28 दिसंबर से लेके जो ये वाला रेंज था, जो 11 जनवरी तक का जो रेंज है इसके ऊपर काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग हमें क्लोजिंग मिला है। तो चलिए इंट्राडे के लिए लेवल्स देख लेते हैं एक बार 5 मिनट में। मैंने वैसे लेवल तो ड्रॉ करके रखे हुए जो कि अभी तक वैलिड है। तो ये 5 मिनट का चार्ट है और अगर यहाँ पे देखेंगे तो इम्पोर्टेंट लेवल जो होने वाला है हमारा बाइंग और सेलिंग के लिए, ये मैंने प्लॉट करके रखे हुए हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कौन से लेवल इम्पोर्टेंट है। और ये जो ट्रेड है, ये मैंने जो फ्राइडे का एनालिसिस था, थर्सडे का एनालिसिस वीडियो था, इसमें मैंने क्लियरली बोला था कि ये वाले टारगेट आने वाले हैं। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा तो ये वाला टारगेट हमारा आने वाला है, और गैप अप अगर ओपन होता है तो यहाँ से हम रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे और फिर बाय करेंगे। तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे मार्केट ने जो है ओपनिंग दिया था, जहाँ पे रेजिस्टेंस था मेरा जो कि टारगेट था, वहीं पर ओपन देने के बाद में मार्केट ने ये रिटेस्ट किया और वहाँ पर अपर साइड मूवमेंट किया। तो ये वाला जो ट्रेड है हमने पकड़ा था, और ये वाला जो ट्रेड है ये भी हमने पकड़ा था, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किया हुआ था। और ये वाला जो था ये तो 00 मैंने पकड़ा था, जो कि टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपडेट दिया था, 10 रुपये से लेके 67 गया था, ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है। और ये जो पैटर्न था, ये डब्ल्यू पैटर्न, इस तरीके का प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर जाएगा। तो उस दिन ऊपर नहीं गया था, लेकिन फ्राइडे के दिन जो है मार्केट गैप अप ओपन होके ऊपर गया था। तो ये वाला जो पैटर्न था हमारा वैलिड हो चुका है। तो अभी जो है कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल जो होगी ऑप्शन बाइंग के लिए, तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और अपर साइड मूवमेंट करता है, निकलता है ऊपर के लिए, तो ये जो डे हाई जो है इसको हम मार्क कर लेते हैं पहले, इसके ऊपर ही हमारा बाइंग बनेगा, जो कि ये इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है बाइंग के लिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। तो 21,923 के ऊपर ही हम बाई करके चलेंगे। एक मिनट में इसको प्राइस लेवल लगा देता हूँ तो आपको लेवल समझ में आएगा। आप ये लेवल जो है ड्रॉ करके रख सकते हो अपने चार्ट पे, तो प्रेफरेंस के लिए आपको लेवल पता रहेंगे। तो ये जो है 21,930 का आप लेवल पकड़ के चलिए, इसके ऊपर ही हमें बाय करना है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है इसी रीजन में। 21,850 से लेके 900 के लेवल में अगर मार्केट ओपन होता है और ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करेगा तो 21,930 के ऊपर ही आप लॉन्ग करेंगे। तो जो उसका फर्स्ट टारगेट होने वाला है 22,000 होने वाला है, लगभग 70 पॉइंट्स का जो है हमारा टारगेट रहेगा। और मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके नीचे आने की अगर कोशिश करेगा मार्केट, तो हमें जो नेगेटिव साइड में जो पोजीशन लेनी है वो 800 के नीचे ही लेनी है। मतलब ये वाला जो स्विंग लगा है मार्केट का 800 ये वाला, तो 800 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे मार्केट को, तब तक हमें कोई भी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी जो है मिलने वाली नहीं है। तो
मार्केट को अगर शॉर्ट ही करना है आपको, पुट साइड में जाना है, तो 800 के नीचे ही हम शॉर्ट करेंगे। ये लेवल में मार्क कर देता हूँ, अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आता है तो हो सकता है कि यहाँ से फ्लैट ओपन होके नीचे आए तो यहाँ से रिट्रेस भी करके मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। तो 800 के नीचे ही शॉर्ट बनेगा। जब तक कोई 800 के नीचे हमें कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती है 5 मिनट या 15 मिनट की, तब तक हम कोई शॉर्ट पोजीशन बनाने वाले नहीं है निफ्टी में। और इसके 800 के नीचे अगर निकलता है मार्केट, तो आपके पास ये लेवल्स जो है मैंने प्लॉट करके रखे हुए ऑलरेडी, जो कि फ्राइडे और सैटरडे के लिए भी वैलिड थे, वही डाउन साइड के लिए हमारे टारगेट्स होने वाले। यहाँ से 800 के नीचे अगर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट जो है 21,770 का होगा, सेकंड टारगेट जो है हमारा 680 का, 21,680 का होगा। मैं यहाँ पे वो मार्क कर देता हूँ प्राइस लेवल, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और थर्ड जो टारगेट है 650 का होने वाला है, 21,650 का, ये वाला हमारा होने वाला है थर्ड टारगेट, ये वाला। तो ये तीनों नीचे के टारगेट होंगे, और ऊपर के लिए जो है मैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है। तो ऊपर के साइड के जो ऑल टाइम हाई के जो टारगेट्स है, वो जो फिबोनाची एक्सटेंशन जो टूल है उसकी मदद से मैं ड्रॉ करता हूँ। तो ये ऊपर के जो टारगेट है मैं लाइव मार्केट में आपको अपडेट कर दूंगा। तो चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, ये निफ्टी का एनालिसिस था, अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो ये वाला जो वीक है, अभी 5वां वीक है, लगभग 1 महीने के ऊपर हो गया है मार्केट इसी रेंज में। जब ये जो लेवल है लगभग प्राइस रेंज, मतलब ये जो रेंज है मार्केट का लगभग 900 से 1000 पॉइंट का जो रेंज है, इसके ऊपर अभी तक निकला नहीं है। जैसे मार्केट निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई लगा रहा है, नए हाई पे हाई लगा रहा है, वैसे बैंक निफ्टी जो है अभी तक रेंज भी नहीं है। तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा मूव दे सकता है निफ्टी से ज़्यादा, क्योंकि ये अभी तक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट निफ्टी गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होके ऊपर निकलता है, तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा मोमेंट हमें ऊपर की साइड दे सकता है। तो ये वीकली अगर कैंडल देखेंगे तो ये इसी रेंज में क्लोजिंग मिला है हमें। अभी डेली भी देख लेते हैं एक बार, इसके भी जो है बैंक निफ्टी के मैंने लेवल जो है प्लॉट करके रखे हुए ऑलरेडी, जो कि मैंने फ्राइडे और सैटरडे के लिए भी जो वैलिड थे तो मैंने अपडेट दिया हुआ था। जो लेवल्स थे हमारे इंटरडे के लेवल्स भी जो है अभी तक वैलिड है, तो मैंने वो भी ड्रॉ करके रखे हुए हैं। तो अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा अगर क्लोजिंग देखेंगे तो रेंज के अंदर ही है। अगर इस रेंज के ऊपर निकलता है मार्केट तो काफ़ी अच्छा हमें आने वाले वीक में बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छे गेन हमें देखने मिल सकते हैं। तो चलिए 5 मिनट में देख लेते हैं एक बार। अगर अपना अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे जो राइट हैंड कॉर्नर में आपको जो QR कोड दिख रहा है, उसे आप मोबाइल से, अपने मोबाइल से स्कैन करके जुड़ सकते हो। तो लाइव मार्केट में आपको अपडेट मिल जाएंगे लेवल जो होते हैं। अगर गैप अप गैप डाउन भी होता है मार्केट, तो लेवल्स जो है उसके अकॉर्डिंग मैं पोस्ट करते रहता हूँ उसमें। तो आप अभी तक जुड़े नहीं हो तो जुड़ सकते हो। तो अगर देखेंगे, मैंने एक प्लॉट करके रखे हुए लेवल आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे कुछ नेटवर्क का इश्यू है, इसलिए थोड़ा सा ओके। ये जो है ये हमारे फ्राइडे के लेवल्स थे, और ये वाला जो है ये थर्सडे के लेवल है, और ये फ्राइडे के थे जो कि हमारे टारगेट अचीव हो चुके हैं। मैंने बोला था एनालिसिस वीडियो में, फ्राइडे के एनालिसिस वीडियो में, कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। बाकी फर्दर टारगेट मैंने ऊपर के साइड के भी ड्रॉ करके रखे हुए थे, जो कि एनालिसिस वीडियो में बोला हुआ है कि हमें ऊपर के साइड कौन से टारगेट मिल सकते हैं। तो अभी अगर देखेंगे मार्केट इसी रीजन में अगर ओपन होता है 47,800 से लेके 600 के लेवल, 700 से 750 से लेके 800 के लेवल में अगर मार्केट ओपन होता है, तो हमारा जो फ्रेश बाइंग पोजीशन जो बनेगा,
जो कि लेवल इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये वाला जो कि है 880 का जो लेवल है, 47,880 जो ये डे हाई है, इसके ऊपर ही हमारा फ्रेश लॉन्ग बनेगा जो हमें लेके जाएगा 48,000 तक। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 48,173, ये सेकंड टारगेट होगा हमारा अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो। और थर्ड टारगेट जो है 47,370 का, ये थर्ड टारगेट होने वाला है हमारा इसके ऊपर अगर निकलता है तो, फ्लैट ओपन होके। अगर गैप अप ही ओपन होता है 48,000 तो यहाँ पे हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, क्योंकि ये राउंड नंबर है तो यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनाएगा उस तरह से हम पोजीशन बनाएंगे, चाहे वो लॉन्ग सो लॉन्ग के लिए हो चाहे शॉर्ट के लिए हो। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो गैप अप के जो सिनारियों में 580 जो है 47,580 इसके नीचे ही हम शॉर्ट करेंगे, तब तक हम कोई शॉर्ट करने की पोजीशन नहीं लेंगे। और नीचे की साइड अगर देखेंगे, अगर यहाँ से नीचे निकलता है मार्केट तो जो हमारे नीचे के टारगेट होंगे 47,440 का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। और जो ये मैं मार्क कर देता हूँ, इसको लगा देता हूँ परफेक्टली 440, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और 40 का ही आप, ये थोड़ा सा हिल रहा है इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। और हमारा जो सेकंड टारगेट होगा, ये जो डे लो है जो कि है थर्सडे का डे लो है 47,240 का, ये हमारा होगा सेकंड टारगेट। और थर्ड टारगेट जो है, ये वाला जो डे लो है जो कि मेरे ख्याल से वेनसडे का डे लो है, ये वाला हमारा होगा थर्ड टारगेट। अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आता है मार्केट तो, अगर नीचे अगर 47,450 के आसपास अगर ओपन होता है तो भी ये नीचे के टारगेट वैलिड होंगे जो कि मैंने मार्क करके रखे हुए, आप भी इसे मार्क करके रख सकते हो, जो कि 46,987 का है उसके ये वाला। उसके बाद अगर देखेंगे तो 46,761, ये मैंने नहीं कह रहा हूँ कि कल ही आएंगे ये, लेकिन ये डाउन साइड के टारगेट हो सकते हैं आने वाले टाइम नेक्स्ट वीक में। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का एनालिसिस वीडियो। अगर आप अभी तक चैनल पे नए हो और जुड़े नहीं हो तो आप चैनल से जुड़ सकते हो, ये मेरा चैनल का इंटरफेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये मेरे चैनल का नाम है गोल्डन बुल्स, ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पे हम जो है डेली निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के एनालिसिस वीडियो डालते हैं, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। कुछ स्विंग स्टॉक्स होते हैं, इंट्राडे स्टॉक्स होते हैं, कुछ मल्टीबैगर स्टॉक्स के जो है हम एनालिसिस वीडियो डालते हैं। हाल ही में मैंने इजी मैट ट्रिप्स लॉन, कुछ इथेनॉल का मल्टीबैगर स्टॉक था, उसके बाद ये सोना कॉम्स जो है उसका मैंने एनालिसिस वीडियो डाला हुआ है, वैराको इंजीनियरिंग से मैंने वीडियो डाला हुआ है, ट्राइडेंट का मैंने डाला हुआ है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जो एनालिसिस वीडियो होंगे आपके आपके लिए आपको बेनिफिट हो जाए उससे। तो ये था आज के लिए, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है।